सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अपना परफेक्ट हेयर कट कैसे करवा सकते हो, तो वीडियो को एंड तक देखना, इसकी मत करना। ये वीडियो उन भाइयों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाली है जिनको भाई अपने हेयर को लॉन्ग रखना होता है और एक परफेक्ट हेयर कट करवाना होता है। तो कई भाई लोग मिस्टेक कर देते हैं और उनका हेयर कट कुछ इस तरह का हो जाता है और वो काफी ज्यादा छपरी दिखते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आज की वीडियो में आपको परफेक्ट हेयर कट बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपना परफेक्ट हेयर कट करवा सकते हो। सो गाइस, माय नेम इज यू वाचिंग स्मार्ट बॉय हैक्स। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी और कोई वीडियो आप मिस नहीं कर पाओगे। तो गाइस, आज की वीडियो मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूँ आप कैसे अपना हेयर कट करवा सकते हो और मैं अपना हेयर कट आपको दिखाने वाला हूँ कैसे मैं अपना हेयर कट करवाता हूँ। तो आज हम चलते हैं बार्बर के पास और अभी मेरे को करवाना क्या है कि भाई मेरे को लॉन्ग हेयर रखने हैं ऊपर के और मेरे को शॉर्ट करने हैं नीचे के। तो नीचे के हेयर को शॉर्ट कैसे करने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कई बंदे करते क्या है, मिस्टेक कर देते हैं और भाई इस तरह की हेयर कट करवा लेते हैं या फिर इस तरह का हेयर कट करवा लेते हैं, तो ऐसा हेयर कट बहुत ज्यादा गंदा लगता है और आपके ऊपर के लॉन्ग हेयर होते हैं वो बहुत ज्यादा खराब लगते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे अपना लॉन्ग हेयर वाला हेयर कट अच्छे से करवा सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। स्किप हुई तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप मिस कर दोगे और फिर आप बोलोगे कि अमित भाई हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो गाइस। तो यार मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है, वो भी भाई शैम्पू से मैंने अपने हेयर वॉश कर लिया और भाई सीरम वीरम लगा के और अपना हेयर बिल्कुल सिल्की सिल्की कर लिया। अभी देख सकते हो हेयर की लेंथ, अगर आपको दिखाऊं तो हेयर की लेंथ भाई मेरे नोज तक आ रही है। तो अब की बात मेरे को अपना हेयर कट को चेंज करना है। तो बेसिकली मैं करने क्या वाला हूँ, मेरे को जो अपना हेयर कट है वो भाई ऊपर के भी हेयर्स को मैं बड़े रखने वाला हूँ। हर बार करता क्या हूँ मैं, इधर का जो हेयर कट है उसको भाई लो फीडेड की जगह हाई फीडेड करवा देता हूँ। बट इस बार मैं हाई फीडेड नहीं करवाऊंगा, इस बार मैं लो फीडेड करवाऊंगा। और भाई बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी तो भाई थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना, क्योंकि आपको पता है भाई मैं अभी माइक वैक नहीं लगा रखा हूँ। तो अभी चलते हैं अपने बार्बर के पास और देखते हैं अपना हेयर कट कैसा निखर के आता है। तो चलते हैं अपने बार्बर के पास और करवाते हैं अपना हेयर कट। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैं बार्बर के पास आ चुका हूँ और अभी मैं बैठ चुका हूँ अपना हेयर कट करवाने के लिए। तो अभी आप लोग देख सकते हो मैं अपने हेयर्स को नीचे से जीरो करवा रहा हूँ, नीचे से मैंने जीरो की ट्रिमर लगवा ली है अपने हेयर्स में। तो अभी आप लोग देख सकते हो मैंने कान के ऊपर से भाई नीचे की साइड से भाई जीरो करवा लिया है। तो अभी आप मेरे को फीडेड करवाना है, बट फीडेड भी कुछ अलग तरीके से करवाना है, क्योंकि ज़्यादा फीडेड करवा लूंगा तो मेरे हेयर्स भाई जो ऊपर के होंगे वो बहुत ज़्यादा गंदे लगेंगे, तो मेरे को तरीके से करवाना है। अभी आप देख सकते हो मेरे बाल बने, मेरे को भाई नीचे से फीडेड कर दिया है और अभी आप देखो ये क्या कर रहा है। यहाँ से होता है हमारा हेयर कट स्टार्ट। अभी तक जो मैंने आपको क्लिप दिखाई वो मैंने पहले दिखा दी, क्योंकि भाई वो आप लोगों को समझाने के लिए। अभी आप देख सकते हो जियो की मशीन लगा के भाई मेरे हेयर कट कर रहा है। तो नीचे का ही अपने हिसाब से पहले कट लगाएगा, उसके बाद जीरो कर देगा नीचे से। अभी आप देख सकते हो जीरो हो चुका है। यहाँ से मैं अपने बार्बर को बोल रहा हूँ कि भाई बराबर कर दे उसको, एक नंबर का कंघा लगा के। तो एक नंबर की कंघी इसमें मशीन में लगाया है और अभी ये अपने हिसाब से कर रहा है। तो भाई दोनों साइड से ये एक नंबर की कंघी लगा के ये बराबर कर देगा, फीडेड कर देगा। और अभी आप देख सकते हो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखो नोटिस करो कि भाई पहले कितना गंदा लग रहा था और अभी कितना सही लग रहा है। तो फीडेड का ये फायदा होता है भाई लोग, अभी आप देख सकते हो मिरर में देखो। और अभी ये पीछे की हेयर स्टाइल सेट कर रहा है, तो पीछे ये अपने हिसाब से करेगा, वी कट बनाएगा या फिर ओ में बनाएगा, तो भाई ये अपने हिसाब से कर देगा। और मैं पीछे का देख के भाई इससे करवा लूंगा। तो अभी आप देख सकते हो मैं इससे करवा रहा हूँ पीछे का हेयर कट। तो अभी यहाँ पे देखो कई बंदे क्या करते हैं, जीरो नंबर की और एक नंबर की मशीन लगवा लेते हैं, उसके बाद भाई ये काम नहीं करते जो मैं करवा रहा हूँ। अभी आप देखो भाई कंघे से मैं ये करवाने का एक रीजन है, जब भी यार आप मशीन से करवाते हो तो मशीन आपके कुछ ना कुछ हेयर छोड़ देती है, एक नंबर और जीरो नंबर में छोड़ देती है। तो आपको भाई ये करवाना चाहिए। और भाई मैं अपने बार्बर को बोल रखा हूँ, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ भाई वीडियो को स्किप मत किया करो, आप स्किप कर दो तो मिस। तो यहाँ पे हेयर्स तो मेरे फीडेड हो चुके हैं, अभी यहाँ पे ये भाई उस तरह लगवा रहा है। अब आप सोच रहे हो कि मैं उस तरह क्यों लगवा रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने दो हेयर कट करवाने से पहले ही मैंने हेयर्स में उस तरह लगवा लिया था, तो मेरे थोड़े से हेयर्स आ रहे हैं। तो भाई अभी मेरे को लगवाना पड़ेगा, बट मैं जब भाई अपने हेयर्स को शॉर्ट करवाऊँगा तो उनके साथ मैं इनको रिकवर कर लूँगा। तो आप उस तरह मत लगवाना, मैं तो भाई उस तरह लगवा रहा हूँ क्योंकि भाई मेरी मजबूरी रह गई। तो अभी आप लोग देख सकते हो मेरा हेयर कट कैसा निखर के आया है और अभी इतना गंदा भी नहीं लग रहा है और कितना अच्छा मेरा हेयर कट लग रहा है। बट भाई जैसा मैंने बताया कि भाई बहुत सारे बंदे क्या है ऊपर तक करवा लेते हैं एक नंबर की या फिर जीरो नंबर की, तो बहुत गंदा लगता है। तो अभी मैं लॉन्ग हेयर्स रख सकता हूँ, अभी आप देख सकते हो
सकते हो कि पीछे से भी कितने अच्छे मेरे हेयर्स लग रहे हैं। अगर आप मिरर में देखो तो भाई पीछे से देखो कितने अच्छे मेरे हेयर्स लग रहे हैं। और अभी मैं यहाँ पे देख सकते हो मेरा हेयर कट करवा लिया हूँ, और अभी घर पे चलते हैं और भाई नाक के बताता हूँ आपको कैसा हेयर कट हुआ है। यार मैं बार्बर की शॉप से आ चुका हूँ और अभी मैं जस्ट मेरा पानी गर्म हो रहा है, जस्ट नहाते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ हेयर कट कैसा हुआ है। तो अभी तो आपको थोड़ा सा ऐसा ही दिखेगा, थोड़ा सा अजीब दिखेगा क्योंकि इतना अच्छा नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने हेयर ड्रायर वगैरह कुछ भी नहीं कर रखा है। तो जस्ट नहाते हैं, उसके बाद हेयर स्टाइल बनाते हैं, फिर देखना आप, लेट्स गो। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लेट्स गो गाइस। तो यार काफी टाइम बाद अपने चैनल पे लॉन्ग वीडियो आ रही है, तो यार मेरे को पता है आप लोग भूल गए होंगे, और भाई आपका भाई को यार थोड़ा सा याद करके रखा करो क्योंकि मैं बीच में थोड़ा सा काम पे लग गया था, कुछ और काम करने लग गया था। तो यार अभी फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कर देना, क्योंकि पहले जैसे सपोर्ट दिखा रहे थे फिर से एक बार वैसा ही सपोर्ट दिखाओ भाई लोग। तो यार काफ़ी ज़्यादा रीच डाउन हो गई है, फिर से रीच को उठाना है और भाई हवा में उड़ाना है। तो यार अभी आप देख सकते हो मेरा हेयर कट हो रहा है, तो यार लाइक सब्सक्राइब कर दो।